वेलकम टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू और सहजन की सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है, स्पाइसी है। एक बार ट्राई करके देखिए, बनाकर चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। ड्रम स्टिक 3 पावा, ड्रम स्टिक को हमने लंबे आकार में कट किए हैं और 3-4 पानी से फ्रेश से धो लिए हैं। 6 आलू है जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं और गोल आकार में कट किए हैं और 3-4 पानी से फ्रेश से धो लिए और सारा पानी निकाल लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है, सरसों का तेल डालेंगे। 5 चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है। 1/2 चम्मच पचफोरन डालेंगे। 2 प्याज है, 4 मिनट फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिए हैं। आलू डालेंगे, आलू को फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट हो चुके हैं, आलू फ्राई हो गया है। ड्रम स्टिक को डालेंगे, फ्राई करेंगे। सब्जी को हमें हाई फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं और बीच बीच में चलाएंगे। पांच मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम करेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। 4 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। 4 मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे, छोटे टुकड़े में कट किया हुआ। 1/2 आंच में फ्राई करेंगे मसाले के ऊपर। 1/2 चम्मच कूटे हुए सरसों, मिक्स करिए। 1/2 के साथ फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाएंगे।
मोटा दरदरा कूट लिया था। मसाले को तब फ्राई कर लिए हैं। एक गिलास पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। आधा गिलास पानी और डालेंगे। डेढ़ गिलास पानी डाले हैं। नमक स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे। मीडियम आंच में गाढ़ा होने तक पकाएंगे। सब्जी रेडी हो गया है। गैस को ऑफ करेंगे। आलू और सहजन की सब्जी को बॉल में रख लिए हैं। हरा धनिया से गार्निश करेंगे।